परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जब कुदरत का कहर बरसता है तो लाखों लोगों के लिए देवदूत बनते हैं ये जांबाज। जब सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है, उस वक्त जान पर खेलकर जान बचाते हैं योद्धा। इन सिपाहियों का हौसला ऐसा है, आपका दरिया भी इनके सामने घुटने टेक दे। ये हिंदुस्तान की सेना है जिसका मकसद है जिंदगी की रक्षा करना। ये सेना ऐसे दुश्मन का मुकाबला करती है जिसके सामने टैंक और मिसाइल भी नहीं टिक पाते। जमीन हो या आसमान, हर मुसीबत से लोहा लेना ही है इनका मकसद, इनका आदर्श है आपदा सेवा सदैव। और ये है हिंदुस्तान के नायक NDRF। अपने को एक लीड एजेंसी के रूप में स्टेब्लिश किया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि NDRF के ऊपर समस्त भारतवासियों को गर्व है। हम कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं, हम फोर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो हम नेचर के अगेंस्ट करते हैं, कि जो प्राकृतिक आपदा आई है या कोई मानव जनित आपदा है उससे जो नुकसान हुआ उस नुकसान के अगेंस्ट में हम फोर्स यूज़ करते हैं। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है, ये मानवता वाली फोर्स है कि हम लोगों के पास जाके उनकी जो महत्वपूर्ण जिंदगी है उनको बचाने का कार्य करते हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि दूर दूर तक पानी के बीच, बाढ़ के बीच आप फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे, किसको याद करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है और ये कल्पना में भी बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप बाढ़ में फंस जाते हैं तो सिर्फ एक नाम याद आता है, वो है NDRF का। NDRF के वे जवान जो निश्चित रूप से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बड़ी सहूलियत से निकाल लेते हैं और उनको उनकी जान की, अपनी जान की कीमत लगा करके, अपनी जान की बाजी लगा करके वो बाहर निकालते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा अच्छा काम करते हैं। निश्चित रूप से ये उनकी जो क्षमता है इसको नायक कह सकते हैं। एक्सरे 5 एक्सरे 1 रिपोर्ट हुआ, एक्सरे रिप्लाइंग, कैरी ऑन हुआ। NDRF बटालियन 8 के हेडक्वार्टर्स में अचानक फोन की घंटी बजती है। सूचना मिली है यमुना नदी में उफनते पानी के बीच कुछ लोग फंस गए हैं। ओके, डू इट फास्ट। वक्त कम है और कई लोगों की जान खतरे में है, लेकिन NDRF की टीम हर चुनौती के लिए तैयार है। बटालियन 8 का एक दस्ता रेस्क्यू के लिए कूच कर चुका है। एक्सपोज इंडिया की टीम भी रेस्क्यू दल के साथ है। सामने कई फीट गहरा पानी है, बढ़ते पानी से दो दो हाथ करने के लिए ये योद्धा तैयार है। NDRF के लगभग 80 जवान हैं जो यहाँ पर एक रिहर्सल करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे तमाम टुकड़ियों में वहाँ पर मौजूद हैं, कि ये जो जवान है जब बाढ़ में कोई डूब रहा होता है या पानी में डूब रहा होता है तो उसको किस तरीके से कैसे रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं, इसका पूरा डेमो आप देख पाएंगे। थोड़ी सी भी देर हुई तो उसकी जान जा सकती है। जिंदगी पानी में गोते लगा रही है, इस वक्त एक एक सेकंड कीमती है। रेस्क्यू टीम के साथ एक्सपोज इंडिया भी है। पानी को चीरती हुई बोट आगे बढ़ रही है, डूब रहे शख्स तक पहुंचना जरूरी है। जिंदगी और मौत के बीच फासला कम हो रहा है, बचाओ, बचाओ। लेकिन वक्त रहते एक गोताखोर वहां पहुंच गया। बचाओ। और डूब रहे शख्स को थाम लिया। बचाओ। उसकी सांसें फूल रही हैं, उसके फेफड़ों में पानी भर गया है और किसी भी वक्त वो बेहोश हो सकता है। अगले कुछ ही सेकंड्स में उसे सुरक्षित बोट पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। रेस्क्यू टीम अलग अलग बोट पर सवार नदी के बीच पहुंच गई है। एक की जान तो बच गई, लेकिन अभी कई लोगों की जान खतरे में है। हेलीकॉप्टर भी वक्त पर आ चुका है।
और उसमें से एनडीआरएफ के जांबाज नीचे उतर रहे हैं। लगभग दो घंटे के ऑपरेशन में कई लोगों को बचाया गया। 80 एनडीआरएफ के जवान इसमें लगे हुए थे और कई बार ऐसा लगा कि अलग तरीके की सिचुएशन हुई, तमाम विषम परिस्थितियां आई, मगर इसके बावजूद तमाम सारे लोगों को बचा लिया। किसी भी आपदा में लोगों की सेवा में समर्पित एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में की गई थी। उस वक्त से आज तक एनडीआरएफ ने सैलाब, लैंडस्लाइड, भूकंप जैसी किसी भी आपदा में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई। एक्सपोज इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह एनडीआरएफ में तमाम आपदा से निपटने का बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाता है। आज एशिया के कई देश एनडीआरएफ के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये फ्लड रेस्क्यू में जो इवैक्यूएशन वर्क होता है और रेस्क्यू वर्क होता है, उसमें हेली सीदरिंग जो हेलीकॉप्टर से किया गया, उसके अलावा बोट कैप्साइज सिचुएशन में डीप डाइविंग करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए, यहाँ पर बचाने का काम है, ना कि हम किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हैं। और रेस्क्यू सिचुएशन के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो हमारे पास हैं, चाहे वो कितने भी डिफिकल्ट रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े, हम तैयार रहते हैं। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.